ये कागज छापा, सबको मिलेगा है, हाँ तो सबको दे दो एक कागज, ये कागज तो तुम्हारे पास रहेगा, बाद में पढ़ लेना, अभी मेरी बात सुन लो। तो वो लड़का जो लेटा हुआ था शंकराचार्य के चरणों के पास, उससे पूछा उठो उठो। और उठने के बाद वो 15 साल का तो था, उठ गया। ए दाढ़ी वाले कागज नीचे रख दो, देखो मत उधर। तो उस बच्चे से पूछा तुम कौन हो, तुमसे रोज पूछता हूँ कस तुम, ये तुम बोल रहे हो। उसने क्या बोला, ये बोला, ये बाद में पढ़ना। तो इस तरह से वो बच्चे बचपन से न माँ बोला था, बाप भी नहीं बोला, दूध पानी भी नहीं बोला, बस ऐसे ही करके 15 साल का हो गया। और उस शंकराचार्य ने पूछा तो ये उसने पूरा का पूरा अपना स्वरूप का वर्णन, तुम्हें तो दो ही शब्द आते हैं दृष्टा साक्षी, उसने पूरा ये विस्तार से वर्णन किया है उसी बच्चे ने। तो माँ को खुशी हुई, हाय हाय मेरे बच्चे ने कितना अनुभव किया, मेरे बाप भी खुशी मेरे बच्चे ने कितना। और शंकराचार्य ने अपने शिष्यों से कहा नोट करो नोट करो, इसका एक भी वाक्य खाली ना जाने पाए, हर वाक्य को नोट करो, ये ब्रह्म का अनुभव कराने वाले वाक्य है, ब्रह्म का साक्षात कराने वाला यह पत्र है, इससे ब्रह्म का सीधा अनुभव हो जाएगा, इसको कोई और साधन करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से उसने अपना अनुभव किया और शंकराचार्य के शिष्यों ने उसके एक एक वचन को नोट कर लिया कि कोई वाक्य खाली न जाए। खुशी हुई, शंकराचार्य जी आगे बढ़ गए और वो बच्चे को पकड़ के घर माँ अपने तरफ खींचे, एक बार माँ बोल दे, बाप अपने तरफ खींचे, एक बार मेरे को बाप बोल दे, ना माँ बोले ना बाप बोले ना पानी बोले ना रोटी बोले, और घर खींच के ले गए। जिससे तैसे रात गुजारी, दूसरे दिन फिर भागे शंकराचार्य के पीछे, जिस रास्ते से शंकराचार्य गए वो भी पीछे भगा। और जाकर कहा महाराज कल जो आपने शक्ति दी थी वो शक्ति आपके पास ही रह गई, ये बच्चा तो कुछ भी बोल नहीं पा रहा है। बोले ये बच्चा सुनना ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, इसीलिए ये तुम्हारी भाषा नहीं बोलेगा। माँ को गुस्सा आ गया, बोले शंकराचार्य का हमें दे दो, ये लोक कल्याण के कर्म में काम आएगा। माँ ने कहा भाई लंगड़ा हो बेरा हो गूंगा हो मैं अपने बच्चों को तुमको दूंगी, चल रे बेटा चल, हाथ पकड़ के घर ले आए। शंकराचार्य ने कहा था ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये योगी है, योगी पर भोगी लोग क्या समझे शंकराचार्य की बात को। अब सुनो उस बच्चे का जीवन, खेत पे भेजते थे तो गाय ढोर खेत चर जाते थे, वो भगाता वे खेत में जाते थे उसके माँ बाप, तो घर में कोई कुत्ता घुस जाए कोई गाय घुस जाए उसको भगाता, न खेत के काम आए न ये घर के काम आए, बाहर भेजा जाए तो बाहर भी काम न करे। इसी बीच में एक शंकराचार्य की कथा के बीच में कबीरदास जी के जीवन की घटना याद आ गई। देखो तुम यहीं रुकना और कहीं मत जाना है, बच्चे की बात सुनते सुनते कबीरदास के गुरु रामानुजाचार्य ने कहा आज मेरे बाप का श्राद्ध है तो जा गाय का दूध ले आ। कबीरदास जी ने बाल्टी पकड़ी और गाय के पास बैठ गए, गाय के आगे घास डाल दिया। सुनना एक घंटा हो गया, रामानुजाचार्य को गुस्सा आया कि ये क्या मेरे को आज मेरे बाप का श्राद्ध करना है और ये अभी तक दूध लेके नहीं आया। शंकराचार्य डंडा लेके गए और कबीरदास गाय के पास बैठे हैं,
हाथ जोड़ के दूध दे दो, दूध दे दो, दूध दे दो। शंकराचार्य की बात में भूल मत जाना, ये रामानुजाचार्य गए और महाराज क्यों रे ये क्या कर रहा है? बोल मैं गाय को दूध के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, दूध देगी तभी तो लाऊंगा। अरे ये मरी गाय है, मरी हुई गाय, ये क्या दूध देगी है? ये दूध नहीं देगी। अरे मरी गाय दूध देती है क्या? तो ये शायद तो किसके लिए कर रहे हो? मरे बाप के लिए, वो आशीर्वाद देगा कि श्राप देगा? रामानुजाचार्य को लग गया ठीक हो गया श्राद्ध मेरा, क्योंकि असली बात कबीर दास ने कही, मरी गाय जब दूध नहीं देती है तो फिर वो मरा जो बाप है उसका तू श्राद्ध करेंगे तो वो हमको आशीर्वाद करेंगे, मरे हुआ क्या आशीर्वाद करेगा? तो इस तरह से यह बात को यहीं रोक देते हैं। और वह शंकराचार्य जी ने कहा कि ये बच्चा हमको दे लो, तो इसने तो माने मना कर दिया, लेकिन देखा ना ये तो खेत में काम आता है ना घर में काम आता है, और बाजार सामान लेने जाते हैं तो वहीं बैठा रहता है, तो इसको तो बाबा को ही दे दो, साला वहीं इनकी लंगोटी धोता रहेगा, सेवा करता रहेगा, हमारे घर में काम। माने और बाप ने सोचा और जाकर उस बच्चे को कहा, लो महाराज ये लो तो संभालो इसको। और तुमने ये कैसे कहा कि तुम्हारा बच्चा नहीं है? वो कहानी सुनो, शंकराचार्य के पास में उस बच्चे को जाकर बिठा दिया कि तुम संभालो इसको। ये कैसे कहा? तो बोले आज से 15 साल पहले तुम कुंभ मेले में नहाने गए थे ऋषिकेश। हाँ महाराज आपको कैसे पता है? तो सुनो, तुमने इस बच्चे को एक योगी सन्यासी की कुटिया में रख दिया कि हम नहाने जा रहे हैं, और वो योगी तो अपने ध्यान में बैठा था, आत्म ध्यान उसका मुख्य काम था। तो तुम वहाँ गए गंगा में नहाने लगे और साधु लोग आने लगे, नहाने लगे, कौन साधु की मंडली, कौन साधु का जगतगुरु, और वो सब गंगा में नहाते नहाते नहाते, और तुम उसमें मस्त रह गए। वो बच्चा उठकर खुद गंगा में उतरा गया, छोटा बच्चा, और तुम लोग आए, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, ए बाबा दुष्ट भाषा, जल्दी बताएंगे तो अभी पुलिस को बुलाऊंगी, मारेगा डंडा, मेरे बच्चे को कहाँ छिपाया, मेरा बच्चा ऐ मत करो, मेरा बच्चा कहाँ है? सोचा कि ये तो दुष्ट लोग हैं, देखो इधर कुटिया के पास में बाहर की तरफ कहीं खेल रहा होगा वहाँ बच्चा, वो खुद योगी वो बच्चा बन गया था, और ये बच्चे को उठाकर, ये वो बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा नहीं, तुम्हारा बच्चा तो गंगा के अंदर प्रवाहित हो गया था, तुम बाबाओं के नहाने के दृश्य को देखते देखते तुम तो उधर समय लगा दिया, बच्चा घूमता घूमता इस भीड़ में आया, लाखों की भीड़ होती कुंभ में, लोगों से टकराता हुआ पानी के अंदर बह गया, तो यो बच्चा है। उस बच्चे ने क्या कहा? अब मेरे साथ सब बोलना, कागज हाथ में रख लो, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये बच्चे ने शंकराचार्य को बोला था, और शंकराचार्य ने अपने शिष्यों से कहा था
कि तुम इसके एक एक वाक्य को नोट करना, ये सारे वाक्य ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाले हैं, इसलिए देरी मत करना। तो अब ये बच्चे ने बोला, तुमसे भी मैं यही पूछता हूँ, कस त्वम? वो बच्चे ने कहा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आगे फिर वो बच्चा कहता है, न च प्राण संज्ञो नवे पंच वायु नवा सप्त धातु नवा पंच कोशा नवा पाणी पादम न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मैनेव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। तो फिर कौन हो? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आगे फिर बच्चा कहता है, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ। अहम भोजनम नेव अहम भोजनम नेव भोज्यम न भोक्ता। तो फिर कौन है? बोलो, चिदानंद रूप चिदानंद रूप। तुमको इसका साथ साथ बोलने का है मेरे, क्योंकि जितना मैं थोड़ा थोड़ा क्यों बोलता हूँ कि ताकि लोग ठीक से उच्चारण कर सके, मैं इकट्ठा नहीं बोल रहा हूँ। कागज तुम्हारे पास है, ठीक है? तो फिर आगे की बात कहता है, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा पिता ने व मैंने माताश्च जन्म न बंधुर्न मित्र गुरुर्नेव शिष्य। इतना बोला तो फिर वही पूछता है, आखिरकार तू कौन है? ये तो तूने बोला, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ना रा है, ना मेरा कोई री है, ना मेरा कोई रे है, ये सब को ना 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 करता, तो तू कौन है ये बता। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आगे फिर कहता है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न बंधं न मुक्ति। अरे तो तू कौन है ये तो बता। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब
तुम लोग ये दो लाइन जो है इसको अपने में स्वीकारना, ना हम मनुष्य न च देव यक्ष न ब्राह्मण क्षत्रिय न वेश न शूद्र। अब ये चार आश्रम का भी है, नाम ब्रह्मचारी न गृही न वनस्थो चिदानंद भिक्षुर्न चाहम न मैं ब्रह्मचारी हूँ, न मैं गृहस्थी हूँ, न मैं वानप्रस्थी। ये बालक बोल रहा है, वो जो 15 वर्ष का मूक बालक जो कभी माँ बाप के घर में ना माँ बोला ना बाप बोला ना दूध पानी बोला, वो बोल रहा है शंकराचार्य के सामने चारों आश्रमों को कि न मैं ब्रह्मचारी हूँ, न मैं गृहस्थी हूँ, न वानप्रस्थी हूँ, न मैं सन्यासी हूँ, यह मेरे अंदर आश्रम नहीं। भिक्षुर न चाहम, तो कौन है फिर? शिवोहम शिवोहम कस्त्वम। अब इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ जान लो, सरल है फिर भी जान लो, कोई शब्द तुमको नया लगेगा तो। सबसे पहले तो क्या कहा, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण की चार वृत्ति में नहीं, ये चारों वृत्तियां दृश्य है और मैं इनका दृष्टा हूँ। मन चंचल है शांत है तो भी जानता हूँ, बुद्धि मंद है तीव्र है वो भी जानता हूँ, चित्त चंचल है या शांत है जानता हूँ, और अहंकार भी है कि नष्ट हो गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मैं बोलो नहीं हूँ। और इनके बाद ये पांच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण। तुम अपने कार्ड में देखते रहो ताकि तुमको रोज रोज अभ्यास करने का इसका साधन मैं बताऊंगा। रोज ये प्रार्थना करना है, अपने से नहीं पढ़ा जाए तो पढ़ने वाले बच्चे को बोलना, वो पढ़ेगा तुम आनंद लेते रहना। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस किस को क्या क्या कहा गया। इस तरह से अब अपने अंदर पांचों ज्ञानेन्द्रियां भी मैं नहीं हूँ, मैं तो कल्याण स्वरूप आत्मा हूँ। आगे का न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु न वा सप्त धातु न वा पंच कोश। न तो मैं ये पांच प्राण हूँ, प्राण अपान उदान व्यान समान, और न मैं यह पंच वायु हूँ। पंच वायु में यह जो नाम दिया है प्राण अपान उदान व्यान समान, ये पंच प्राण भी मैं नहीं हूँ, पंच वायु भी मैं नहीं हूँ, और ये पांच कर्मेंद्री वाक पाणी पाद लिंग और गुदा, ये पांच कर्मेंद्री भी 14 त्रिपुटी में बताया था ना आपको, पांच ज्ञानेंद्री पांच कर्मेंद्री और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये दृश्य है और मैं इन सबका दृष्टा इनसे न्यारा हूँ। इस तरह से इसने आगे कहा, न मेरे में राग होता है किसी के प्रति, ये मेरी ये मेरे ये मेरा ये न कोई मेरा न कोई मेरी न कोई मेरे, किसी में राग भी नहीं और मेरा किसी से द्वेष भी नहीं है, मैं राग और द्वेष से रहित हूँ। राग में लोभ होता है और मोह में जो है द्वेष होता है, राग द्वेष मेरा नहीं है, मेरा अपना पराया कोई नहीं है। तो मैं क्या हूँ, मैं सदा सब भाव से रहता हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में एक ब्रह्म भाव सब में एक चैतन्य भाव रहता है, किसी प्रकार का मेरे में कोई गर्व अहंकार नहीं है, सदा मैं समत्वम में सब में
समान भाव रखता हूँ, न मेरा कोई मित्र है न कोई मेरा शत्रु है, न धर्म न चार्थो न कामो न मोक्ष। चार मुख्य कर्तव्य है मनुष्य जीवन में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अरे मैं तो नित्य मुक्त हूँ, मेरे को न धर्म की जरूरत है न कर्म की जरूरत है न अर्थ की जरूरत है न कोई कामना है न कोई की जरूरत नहीं, मैं नित्य मुक्त हूँ, नित्य शुद्ध हूँ। तो इसलिए मेरे को धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी जरूरत नहीं। तो फिर तू कौन है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आगे कहता है न पुण्यम न पापम, पुण्य और पाप भी मुझे न सुख न न किसी प्रकार का सुख की इच्छा है और न कोई मुझे दुख है। सुख दुख से भी मैं परे हूँ, पुण्य पाप से भी मैं, सुख दुख किसको? रोज पूछता हूँ, भूख प्यास किसको, जन्म मान किसको, बंध मोक्ष किसको, कस्त्वम मित्र दृष्टा साक्षी, मेरे को ये सब प्रपंच बांध नहीं सकते, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ। मेरे लिए ना कोई सोहम शिवम की माला करना है, न राम राम की माला करना है, न कोई जप करना है, न तीर्थ में भटकना है कि तीर्थ यात्रा करना पड़ेगा। ये तो वो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, जिनको सद्गुरु नहीं मिला है, जिनका देह भाव नहीं छूटा है, कर्म भाव, उनको तीर्थ यात्रा करने की रुचि होगी। मेरे को कोई मंत्र तीर्थ न वेद यज्ञ की जरूरत, न मुझे गीता पढ़ना है, न वेद पढ़ना है, न भागवत पढ़ना है, न उपनिषद पढ़ना है, न हनुमान चालीसा रटना है। मैं तो सब साधन से नित्य मुक्त हूँ। पर जब तक गुरु न मिले, ध्यान से सुनो, जब तक सद्गुरु न मिले, जब तक ज्ञानी गुरु न मिले, तब तक सब करते रहना, तब तक सब करते रहना, यज्ञ भी करना, योग भी करना, तप जप पूजा पाठ, क्योंकि गुरु जब मिलेगा तो सब जंजाल से तुम्हें मुक्त कर देगा, सब कर्म में आग लगा देगा। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा, गीता के चार अध्याय के 37 श्लोक में भगवान ने ज्ञान अग्नि से सब कर्म, भक्ति, योग, यज्ञ, तप, जब सबको आग लगा दी। जब ज्ञान पाएगा तो सब भस्म हो जाएंगे। पर जब तक गुरु न मिले करते रहना, नहीं तो दुष्कर्म हो कर्मी हो जाओगे, मांस मछली खाने लग जाओगे, शराब पीने लग जाओगे, भांग गांजा लहसुन प्याज दूध दही अमृत चाय इसी में फंसे रह जाओगे। इसलिए जब तक सद्गुरु न, और तुम्हें लग गया कि गुरु मिल गया और मैं दृष्टा साक्षी, फिर कुछ करने की जरूरत, कोई झंडी हिलाने की जरूरत नहीं है। अब मेरा, मेरी और मेरे तीनों को हटा दिया। क्या कहकर? न बंधुर न मित्रम गुरुर नैव शिष्यः। न मेरा कोई गुरु है, न मैं किसी का शिष्य हूँ, न मेरा कोई मित्र है, न मेरा कोई भाई बंधु हूँ। तो फिर क्या है? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्प निराकार रूपो। मेरे मन में अब कोई प्रकार का कल्पना, ये करना है, ये करूँगा, ये करना बाकी है, इतना हो गया, कोई प्रकार की कल्पना, निराकार, मैं तो निराकार आत्मा हूँ। निराकार आत्मा को कोई प्रकार का मंत्र, योग, यज्ञ, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। बस व्याप्त सर्वत्र, सारे शरीर में मैं सब 14 त्रिपुटियों में व्याप्त होकर भी 14 त्रिपुटियों से अलग हूँ। सर्विंद्रिय से मैं सर्व क्रियाओं से सबको प्रकाशित करता हूँ, लेकिन सबसे मैं न्यारा हूँ। विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, सदा में समत्वम न बंधम न मुक्ति, मैं सदा साक्षी भाव में हूँ,
मेरे को कोई बंधन नहीं और मेरी कोई मुक्ति नहीं। बंधन भी है तो मन को है, मुक्ति भी है तो जीव को है, मैं तो इनसे अलग हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिव, अब मैं न मनुष्य हूँ, न यक्ष हूँ, न 84 लाख योनियाँ मेरे में नहीं है, न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय, न सन्यासी हूँ, न वेश हूँ, न मैं ग्रही हूँ, न वानप्रस्थी हूँ, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, साक्षी आत्मा हूँ। भिक्षुर न चाहम शिवोहम शिवोहम, मैं सन्यासी भी नहीं हूँ, ये सन्यास का वह अहंकार मेरे अंदर अब नहीं। कस्त्वा तो जन्म मरण किसका, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बन मोक्ष किसको, कस्त्वा। आप लोगों ने ध्यान से एकाग्रता से सुना, आज का प्रसंग यहीं समाप्त करता हूँ। एक और सूचना दे देता हूँ, अगर मेरे वचनों में श्रद्धा नहीं और कोई संशय आ गया तो 3 से 5 के बीच में यहीं पर आकर एक एक व्यक्ति अपने शंका का समाधान, अगर मेरे वचनों में संशय है कि ये कैसे कहा, हमको तो समझ नहीं आया, तो उसको समझा दिया जाएगा। आज इतना ही, ओम शांति शांति। बस तुम नीचे उतरो, हाँ बस हो गया था।